ठीक है, आज का हमारा टास्क है फंक्शंस डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। फंक्शन आप कह सकते हो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो मिलके कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। कह रहे हैं हर सी प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट एक फंक्शन तो होता ही है, जिसे हम कहते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि मेन फंक्शन वो फंक्शन है जो सारे कोड को कंपाइल करता है, या फिर जहाँ पर कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि इसके अलावा भी फंक्शंस हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें बार बार रिपीट करने होते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम हमने एरे का प्रोग्राम पढ़ा था, उसमें तुमने ऑब्जर्व किया होगा नेस्टेड लूप को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था बार बार। सही है, अगर वैसा एक फंक्शन मेरे पास मौजूद होता एरे को प्रिंट कराने का, सिर्फ मैं उसमें एरे का नाम लिखता कि मुझे कौन सा एरे प्रिंट कराना है, कौन सा मैट्रिक्स प्रिंट कराना है, वो प्रिंट करके दे देता। ठीक है, मुझे तो बल्कि पूरा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी अप्रोच हो जिसमें मुझे कोड को कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, बल्कि मैं एक दफ़ा कोड लिखूँ और उसको रीयूज कर लूँ। तो उस अप्रोच को हम कहते हैं फंक्शंस। ठीक है, और अगर कोड लैंग्वेज में पूछो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज लाइक अ मशीन दैट रिक्वायर्स एन इनपुट एंड गिव्स यू एन आउटपुट। तो फंक्शन को एक इनपुट रिक्वायर्ड होता है और वो तुम्हें क्या उसके रिटर्न में क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, बारी बारी थोड़ा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो पहला मैं एक फंक्शन बनाता हूँ आज। अच्छा, फंक्शन क्या होता है, कुछ आपको रिटर्न भी करता है ना। ठीक है, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कुछ रिटर्न करे। सही है, यहाँ पे एक होता है रिटर्न टाइप फंक्शन और एक है वॉइड। सही है, इनको हमें याद रखना है। वॉइड एक ऐसा फंक्शन होगा, वॉइड एक ऐसी डेटा टाइप है जो कुछ रिटर्न नहीं करे। सही है, अब ये कन्फ्यूजन रहता है जो नए न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं कि ये कैसी बात है, रिटर्न टाइप है और रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप। तो सबसे पहले देखो भाई फंक्शन बनता कैसे। तुमने कहा मुझे दो नंबर्स प्लस कराने, ठीक है, तुमने मान लिया मुझे दो नंबर प्लस करवाने हैं। तो तुमने क्या किया, सिंपल सा कोड किया बिना फंक्शन के, एक्स इंटीजर एक्स कॉमा वाई और एक जेड वेरिएबल ले लिया। एक्स के अंदर तुमने 3 डाला, वाई के अंदर तुमने 2 डाला और जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस। सही है, और प्रिंट एफ करके इसको प्रिंट करा दिया, परसन डी कॉमा किसके अंदर आंसर है, जेड के अंदर और एफ लग। सही है, ये देखो चल जाएगा और ये सेव होके 5 दे देगा। तुम कहोगे ठीक है, अब बार बार मुझे ये वाली लाइंस ऑफ कोड है, मुझे मजीद नंबर ऐड कराने, बार बार ये लाइंस ऑफ कोड लिखने, मैं तो चाह रहा हूँ इसका एक फंक्शन बन जाए जो क्या करे, दो नंबर इनपुट ले और रिटर्न में मुझे क्या करके दे दे, प्लस करके दे दे। सही है, मतलब मुझे कोड लिखना ना पड़े बार। तो मैं ऊपर आता हूँ, एक फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ। सबसे पहले तुम्हें फंक्शन की क्या करनी है, रिटर्न टाइप लिखनी है कि फंक्शन जो चीज़ तुम्हें रिटर्न करेगा वो किस टाइप की होगी, इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, यानी पॉइंट की वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर सिंपल इंटीजर रिटर्न करेगा। तो अभी हम इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा मेरा फंक्शन, जो आउटपुट देगा या रिजल्ट देगा मुझे वो इंटीजर डाटा टाइप होगी। फिर उस फंक्शन का मैं नाम लिखूंगा और वो फंक्शन कितने पैरामीटर लेगा, यानी इनपुट कितने लेगा। तो मैंने कहा दो इनपुट लेगा, इंटीजर ए इंटीजर बी। ये मैंने इसका सिग्नेचर बना दिया ऊपर और टर्मिनेटर लगा दिया कि इस नाम का एक फंक्शन मैं बनाऊंगा। इसको कॉपी किया और जहां मेन मेथड एंड हो रहा है वहां नीचे जाके, मेन मेथड कहाँ एंड हुआ है, यहाँ पर। अब तक हमने मेन मेथड से बाहर कोड नहीं किया था, मेन मेथड एंड, यहाँ पे मेन मेथड एंड हुआ है। अब हम ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कोडिंग करेंगे इस मेथड की। सही है, और ये मेथड करेगा क्या, इसने जो दो नंबर इनपुट लिए हैं ए प्लस बी, उन्हें प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा, यानी रिटर्न का मतलब आउटपुट में दे देगा, आंसर दे देगा। सही है, अब देखो मैं यहाँ आता हूँ, मैं सारी लाइंस मिटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ मैं सिर्फ रखता हूँ इंटीजर जेड, और जेड के अंदर देखो मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ सम। फंक्शन का नाम क्या है, सम, और उसको दो नंबर चाहिए। मैंने कहा 4 + 3 क्या आंसर आएगा, 7। देखो मैं इसको रन करूँगा, 7 आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। सही है, अच्छा ये कैसे हो रहा है, तुम कहोगे यहाँ तो कहीं प्लस का कोड है नहीं। सही है, तो अभी देखो बता दूँ, हमें फंक्शन में ना दो टाइप के फंक्शंस पढ़ने, एक है पास बाय वैल्यू और एक है पास बाय रेफरेंस। तो अभी याद रखना जो हमने अभी फंक्शन स्टार्ट किया है वो है पास बाय वैल्यू। सही है, अभी इसमें हुआ क्या है देखो, तो
तुमने सबसे पहले एक फंक्शन का सिग्नेचर बना दिया कि एक ऐसा फंक्शन मेरे प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, तो हाँ मौजूद है, नीचे जाके देखा हमने, हाँ भाई ये फंक्शन यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन हुई हुई है। सही है, क्या डिक्लेरेशन हुई हुई है कि ये दो इनपुट ले रहा है ए और बी, और जो भी इनपुट आएंगे उनको ये क्या कर देगा, सम करके रिटर्न कर देगा इनका आंसर। सही है, अब यहाँ पर कोड की एग्जीक्यूशन कहाँ होती है, मेन मेन मेथड में तुम देख रहे हो प्लस होके तो आंसर आ रहा है, मगर यहाँ कहीं सिंगल प्लस का साइन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है इंटीजर जेड, और जेड के अंदर रेफरेंस किसका आ रहा है, इस मेथड का आ रहा है सम का। सम को कॉल किया, सम के अंदर हमने देखो उसको दो इनपुट रिक्वायर्ड थे ए और बी, हमने दो इनपुट दिए 4 एंड 3, यानी ए की जगह क्या सेट हो जाएगा और बी की जगह क्या सेट हो जाएगा। अब वो 4 प्लस 3 कहाँ पे सेट हुए हैं, देखो यहाँ पर 4 और 3, वो 4 और 3 को क्या करेगा, प्लस क्या बनेगा 7 को वो रिटर्न करेगा। अब जब 7 यहाँ से रिटर्न होकर आएगा तो वो किसके अंदर सेफ हो गया, जेड में, और तुमने जेड को प्रिंट किया तो सिंपल जेड के अंदर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। इसको हम यूजर इनपुट पे भी कर सकते हैं, देखो इस तरह से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जेड और वाई और एक एक्स। सही है, तो हमने कहा प्रिंट एफ इंटर द नंबर। सही है, इसके बाद हम कैलकुलेटर बनाते हैं, अब कुछ देर में इंटर द नंबर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है नंबर इंटर करो, तो तुम्हें पता है नंबर इंटर करने के लिए कोड क्या होता है, परसेंट डी कॉमा एम परसेंट एक्स, पहला नंबर एक्स में सेफ हो जाएगा, कॉपी पेस्ट, दूसरा नंबर वाई इंटर द सेकेंड नंबर, और हम क्या करेंगे जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई करने के बजाय क्या लिखेंगे, सम एक्स कॉमा, देखो ये इनपुट खुद बता रहा है क्या, तो पहले ए दो फिर बी दो। अब देखो तुम, मैंने जानबूझ के इनका नाम एक्स वाई नहीं रखा कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि जो वेरिएबल नेम यहाँ है वो वेरिएबल नेम यहाँ, ये पास बाय वैल्यू है, यानी ए बी का मतलब कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी नंबर को पास करा सकते। मैंने यहाँ देखो एक्स कॉमा वाई को पास कर दिया। अब देखो यहाँ जब तुमने इनपुट दिया होगा एक्स के अंदर आके सेफ हुआ होगा एक नंबर, इनपुट दिया होगा वाई के अंदर आके सेफ हो गया होगा, वो तुमने यहाँ पे शो कर दिया, वो दो नंबर जो भी तुम्हारे होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सम होके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं, इंटर द नंबर, मैंने कहा 3, अगला नंबर कह रहा है 10, क्या आना चाहिए सम 13, देखो आ रहा है 13 नीचे लिखा हुआ है। सही है, क्लियर है ये बात सबको, पक्की बात है। ठीक है, अब एक मिनट, अब मैं वो नॉन रिटर्न टाइप समझा देता हूँ। देखो अब नॉन रिटर्न टाइप में क्या, एक और सोर्स फाइल ली, यही कोड बिल्कुल सेम, और यहाँ इंटीजर हटा के हमने कर दिया void। सही है, void एक ऐसी डेटा टाइप है जो रिटर्न कुछ नहीं करती, void, और यहाँ हम करेंगे रिटर्न। अब मैंने कहा ये रिटर्न नहीं करती तो ये क्या करेगा, प्रिंट एफ परसन डी कॉमा ए प्लस बी टर्मिनेटर, मतलब वो फंक्शन के अंदर ही आंसर को प्रिंट कर देगी। तो अब देखो मुझे यहाँ ये दो लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जेड वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है, जेड वेरिएबल को हटा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ फंक्शन टू, उसको F11 रन किया मैंने, इंटर द नंबर 1, दूसरा नंबर पूछा 2, देखो 3 खुद से प्रिंट हो रहा है, सेम आउटपुट बिल्कुल। सही है, यहाँ फर्क क्या है, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, उस रिटर्न नहीं किया तो यहीं पे यहीं प्रिंट कर दिया इसने, हुआ क्या है, यहाँ से ए लिया, यहाँ से बी लिया, इसमें सम किया, यहीं से प्रिंट कर दिया, कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही है, थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को समझने में कि सर कब रिटर्न कराना है कब नहीं करवाना, ये फ़र्क क्या है इनके दरमियान, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये बातें फिर बाद में समझ में आने लगेगी। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया कि void फंक्शन जब रिटर्न टाइप होगी तो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा। क्लियर, अभी बस आपके लिए इतना काफ़ी होगा, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट।